इसराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इसराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इसराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें दो ईरानी जनरलों की मौत हो गई। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी ईरान द्वारा कभी भी हमला करने की बात कही थी। बाइडन ने इसी को देखते हुए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इसराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी ओर ईरान ने दूतावास पर हमले को उस पर हमले के रूप में देख रहा है। ईरान इस बार लेबनान में हिजबुल्ला की सहायता के बजाय इसराइल पर सीधा हमला करने की योजना बना रहा है। बाइडन के बयान से पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी इसराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई थी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई कि कब ये हमला हो सकता है। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मोड में आ गए हैं। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को इन दोनों देशों की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इसराइल की यात्रा ना करें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग अभी ईरान या इसराइल में रह रहे हैं, वो वहां के भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। ईरान में तकरीबन 4,000 भारतीय रहते हैं, तो वहीं इसराइल में 18,500 भारतीय रहते हैं। जानकारी के अनुसार भारत सरकार दोनों देशों से रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। वहीं ईरानी सूत्रों और अमेरिका के राजनयिकों ने कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन को संकेत दिया है कि वह तनाव बढ़ाने से बचना चाहता है और जल्दबाजी नहीं करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।